ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मानगो नगर विकास समिति द्वारा बुधवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भारी वाहनों के परिचालन पर जो रोक लगाई गई है उसे स्थायी तौर पर लागू करने की मांग की है। परिचालन रात में हो, रात में हो, रात में हो। मानगो नगर विकास समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानगो नगर विकास समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि प्रशासन द्वारा 16 अगस्त तक भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक रोक लगाई गई है, जो स्वागत योग्य है, मगर उन्हें दुर्घटनाओं के मद्देनजर इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करने की मांग की है। मानगो क्षेत्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन होगा, ये आपने रोक लगाया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और उसके बाद हम लोग इस मांग को करते हैं, जैसे अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि 16 तारीख तक ही ये रोक लगा है। हम मानगो की जनता, हम जमशेदपुर की जनता इस मांग को करते हैं कि ये 16 तारीख तक ही नहीं, ये रोक परमानेंट होना चाहिए, हर वक्त के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर की जनता का प्राण इतना सस्ता नहीं है। आए दिन जो दुर्घटनाएं घटती है, उस दुर्घटनाओं को देखते हुए जमशेदपुर में भारी वाहनों का परिचालन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बंद होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन ने बुधवार को उपायुक्त से कहा है कि नो एंट्री का समय यदि नहीं बदला गया तो उनके सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन द्वारा उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में नो एंट्री के समय में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि सुबह 6 से रात्रि 11 बजे तक परिचालन ठप रहेगा तो वे धंधा कब करेंगे। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन की तरफ से हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं, उनसे अनुरोध करने आए हैं कि जो दिन भर नो एंट्री का इनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है इसको वापस लें और पूर्व की तरह जो नो एंट्री थी वही समय रखा जाए, यही हम लोग का मांग है। और अगर हमारे मांग पर अगर ध्यानपूर्वक विचार नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि पहले ही वाहन मालिक जो है पूरा दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। और अगर ये अगर आदेश मतलब रहा और दिन भर नो एंट्री रही तो जितने भी गाड़ी मालिक है वो मतलब की भुखमरी के कगार पर चले जाएंगे। ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर एंड फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा मिस जमशेदपुर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें शहर की छात्राएं बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। पिछले एक सप्ताह से चल रहे ऑडिशन में से 34 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। इनमें से फाइनल राउंड के लिए प्रतिभागियों को चुना जाएगा। चयन के लिए दिल्ली से कोरियोग्राफर व मॉडल को बुलाया जा रहा है जो फाइनल 18 प्रतिभागियों का चयन करेंगी। उक्त जानकारी आयोजक समीर कुमार मोहंती ने दी। नियुक्ति है उसको एक्सपोजर तो मिलता नहीं है, तो किसी एक मीडियम के थ्रू से, मीडिया के थ्रू से एक्सपोजर मिलना चाहिए। मेरे समझ में फैशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो एक्सपोजर मिलेगा वो शायद मेरे को लगता है सबसे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 3 अगस्त से ढालभूम क्लब में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन बुला कर दी गई। क्लब में किया जा रहा है सेंट भवन के सामने। इसमें भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी श्री गणेश मिश्र जी उपस्थित रहेंगे और मनोज सिंह जी भाजपा कार्य समिति सदस्य हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन श्री शरीर राय जी करेंगे। इसमें जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत वरुण महतो जी भी उपस्थित रहेंगे। विधायक बन्ना गुप्ता ने विधायक निधि से रजक समाज के विकास व उत्थान के लिए सामुदायिक भवन बनाए जाने की अनुशंसा की है जिससे रजक समाज में उत्साह व्याप्त है और उन्होंने विधायक के कार्यालय जाकर आभार व्यक्त किया। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 रजक समाज जिंदाबाद, 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 रजक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक बन्ना गुप्ता लगातार जन उपयोगी कार्यों में सक्रिय रहे हैं, खासकर समाज के कमजोर वर्ग के लिए वे आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने रजक समाज के उत्थान व विकास के लिए अपनी विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाने की अनुशंसा की है। इस खबर से रजक समाज के लोगों ने उनके कार्यालय आकर आभार प्रकट किया। रजक समाज, आप जानते हैं कि रजक समाज बहुत मेहनत का समाज है और बहुत पिछड़ा और कमजोर वर्ग है। इसके उत्थान की आवश्यकता है, इसकी उन्नति की आवश्यकता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में
इनको जो सामाजिक जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा और कोऑपरेटिव जीवन, सामूहिक जीवन जी सकें, इसके लिए सामुदायिक विकास भवन भी चाहिए, जिसमें बैठकर ये अपने समाज की चर्चा परिचर्चा, छोटी बच्चियों की शादी विवाह और जो सामाजिक उत्थान की दिशा में कारगर तरीके से उपयोग में लाया जा सके, तो उसके लिए हमने प्रयास किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारे लोग आए हैं खुशी व्यक्त करने के लिए, और हम लगातार प्रयास में हैं कि समाज का वो वर्ग जो जिसको हम बोलते हैं कि वीकर सेक्शन, जिसको बोलते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप, वैसे सेक्शन के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी की कड़ी में ये एक प्रयास है। ऐसा है कि बहुत दिनों से रजक समाज उलियान जो हम लोग का ब्रांच है, उसकी ये इच्छा थी कि जो है यहाँ पर जो है लोगों के विकास के लिए सामुदायिक भवन बने, और इसके लिए जो है काफ़ी दिनों से जो है रजक समाज जो है प्रयासरत था, और इस क्रम में जो है हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले जो है पता चला कि जो है माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता के द्वारा उनके जो है विधायक फंड से लगभग 19 लाख रुपए का जो है सामुदायिक भवन की अनुशंसा की गई है, और इस ये जो है एक बहुत बड़ी और खुशी का जो है ये बात था, और इसके लिए पूरे रजक समाज जमशेदपुर के पदाधिकारीगण, उलियान शाखा के तमाम जो है महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग जो है अपने खुशी का इजहार करने के लिए और अपने जो है लोकप्रिय विधायक श्री बन्ना गुप्ता को आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राष्ट्रीय ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित नालों की साफ सफाई एवं वास्तविक चौड़ाई बहाल करने की मांग की है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन द्वारा सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि इन दिनों थोड़ी देर बारिश के बाद ही सड़कों पर जल जमाव व जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने शहर के नालों पर अतिक्रमण की भी शिकायत की। लगभग 40 से 50 फीट इसकी चौड़ाई हुआ करती थी, अब ये नाले जो है संकृत होकर 8 फुट के दायरे में आ गई और गहराई जो है एकदम ख़त्म हो गई है, जिसके वजह से अगर एक घंटा भी बरसात में पानी होता है तो 1 से 2 घंटे तक वहाँ रोड जो है बंद हो जाता है। मोतीलाल पब्लिक स्कूल में आयोजित अंतर स्कूल क्विज प्रतियोगिता में शहर के 40 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भारत रत्न जेआरडी टाटा की जीवनी पर आधारित प्रश्न पूछे गए। Was made to teach people how to use toilet. Give it away, Aita. People will all score, but never mind. Which is the only father and son duo? Number one. Which is the only father and son duo? अलुबासा हनुमान मंदिर में उड़ीसा से लाई गई शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा हेतु पूजा पाठ एवं अनुष्ठान जारी है। और बताइए कौन सा मंदिर है और क्या हो रहा है? ये मंदिर श्री श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर अलुबासा हनुमान में श्री शंकर भगवान, मैया पार्वती, गणेश भगवान, नंदी देव एवं कार्तिक देव की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है।